भारत रत्न से सम्मानित स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के निधन पर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय स्थित छात्र संघ कार्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया। उनकी पंक्ति है, मौत से ढूंढ गई, मिलने का कोई वादा रखा, रास्ते में खड़ी मिली से कोई वादा रखा, ऐसी पंक्तियां कई उन्होंने युवाओं के लिए ऐसी कई ऐसी अपनी उल्लेखनीय शब्दों से पंक्तियां कविता पाठ उन्होंने लिखा है, जो हम सभी युवा तरुणाइयों को पढ़ना चाहिए। इनके बारे में सभागार में पहुंचे सभी गुरुजनों से, सभी हमारे बड़े भाइयों से अनेक शब्द सुनने को मिला, और इन सबके बीच में यही कहना चाहता हूँ अपने युवा तरुणाइयों से, अपने समकक्ष के भाइयों से, इनकी जीवनी को एक बार हम जरूर पढ़ें, इनके द्वारा लिखी गई पंक्तियों को जरूर पढ़ें और इनके पक्षिणों पर चलने का आस्कार करें, तब जाकर भारत का जो इन्होंने भी कुछ भारत के लिए सपना देखा था उसको हम साकार कर सकते हैं। मार्टिन लूथर किंग कहता है कि विपक्ष लोकतंत्र की प्राण होती है, और सही में ये महानुभाव, ये ऐसे व्यक्तित्व भारत के विपक्ष के लोकतंत्र के प्राण हुए, और आज उसी के इस जीत पे जो आज हमारे बीच नहीं रहे, पूरा पक्ष विपक्ष दोनों शोकाकुल है, पूरे भारत वर्ष में विश्व की राजनीति इनसे शोकाकुल है। ऐसे समय में मैं फिर से अगर इन्हें किसी समाज, किसी धर्म, किसी समुदाय और किसी जाति के संदर्भ में देखा जाए तो ये सबसे ऊपर थे। एक ही धर्म था इनका, इंसानियत। एक घटना हमें याद आ रही है, मैंने बहुत पहले जब हाई स्कूल में पढ़ रहा था तभी अखबार में पढ़ा था, वो ये था कि उस समय पाकिस्तान और भारत में वार्ता होने वाली थी आगरा में। मुशर्रफ जी भारत आने वाले थे, मुशर्रफ जी भारत आने के ठीक कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में पहलगाम में एक दुर्घटना घटी जिसमें 26 भारतीयों की मौत हो गई, वो आतंकवादी हमला था। ये पहलगाम जाते हैं और एक उस समय प्रधानमंत्री भी थे, तो मीडिया वालों ने उनसे ये पूछा कि आप एक पड़ोसी देश से वार्ता करने जा रहे हैं और उसी पड़ोसी देश का संगठन आप पर हमला करके आपने आपके नागरिकों को, आपके सेना को मारी है, उसमें कई सेना के जवान शहीद हुए, नागरिक भी शहीद हुए संगठन, तो आप बताइए कि आप जब मुशर्रफ साहब से बात करेंगे तो आप संविधान के दायरे में बात करेंगे कि कूटनीति के दायरे में बात करेंगे। किसी राजनेता के लिए ये बड़ी विषम परिस्थिति और विषम सवाल था उस समय। इन्होंने जो उत्तर दिया वो अभी के किसी भी वैश्विक राजनेता के लिए भी एक मिसाल है। इन्होंने कहा कि हम ना तो संविधान के दायरे में बात करेंगे, ना तो कूटनीति के दायरे में बात करेंगे, हम इंसानियत के दायरे में बात करेंगे। एक सचमुच इंसान इनमें पलता था और यही इनका धर्म था, और इन्होंने हर जगह इसको अपने पूरे राजनीतिक जीवन में इसी का प्रचार प्रसार किया, और शायद हमारे भारत ही नहीं पूरे विश्व के राजनेताओं के दिलों में एक राज